मणिपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के वीर सपूत मेजर अमित देशवाल को झज्जर में उनके पैतृक गांव सुरहेती में राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। शहीद का पार्थिव शरीर दोपहर बाद पैतृक गांव पहुंचा था, जहां प्रदेश सरकार की ओर से कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, इनेलो के इनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और बहादुरगढ़ से विधायक नरेश कौशिक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सरकारी नौकरी का ऐलान भी हुआ है परिवार के एक सदस्य के लिए। से पूरे भारत को उन पर गर्व है, वो हरियाणा की माटी के लाल थे, झज्जर के और सुरहेती के सपूत थे। निश्चित रूप से उनकी शहादत से हम सब गौरवान्वित हैं और उनकी याद मैं कहूँगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के लिए कहा था, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। ऐसे लोग अपना बलिदान देकर देश की रक्षा तो करते ही हैं, हमारे कल के लिए उन्होंने अपना आज बलिदान किया है और देशभक्ति की ज्योति भी युवाओं में जगाते हैं। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से मेजर अमित देशवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारी सरकार ने हालांकि किसी भी राशि से किसी शहादत को नहीं मापा जा सकता, लेकिन हरियाणा सरकार जो पहले 20 लाख रुपए इसका सहयोग करती थी शहीद परिवार को, अब हरियाणा सरकार ने उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है ये सरकार बनने के बाद। और अभी गुड़गांव में जो दंगल हुआ था उसके बाद से इसको 50 लाख रुपए किया है और पहले से ही सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को वो नौकरी देती है, पक्की नौकरी देती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये छोटी चीज़ें हैं, शहादत बहुत बड़ी है। और जैसा वो आदमी था, मेरे बेटे था, जिसे ज्ञान उसमें थे उसे हर एक बच्चे माने चाहिए। ऐसे मेरे को और बच्चों की ज़रूरत है, ऐसी माँ पैदा करे भाई अमित शाह मेजर एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे और उन्होंने देश के लिए साजत देकर ये साबित कर दिया तो देश हित की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उसके परिवार को एक दुख की घड़ी सहने की परमात्मा उसको शक्ति दे और हम सब पूरा हरियाणा प्रदेश इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ। टफेस थे वो, प्री प्लानिंग करते थे किसी भी चीज़ का, स्टडीज़ का हो या फिर फिजिकल ट्रेनिंग का हो। पहले एक बार उसे गो थ्रू हो जाते थे कि हाँ भाई अगर सपोज मैंने रनिंग में पार्ट लेना है या फिर मैंने स्विमिंग में पार्ट लेना है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे मेरी प्रिपरेशन जो है वो किस हद तक होगी, तो उसको पहले प्री प्लान करते थे। इवन कभी कभी डिस्कस के लिए किया है, ऐसे ही सब करें, अमित जैसा सब बने, यही सीख मिलती है। हिंदुस्तानी बने और ना कि अपनी जात और अपने ही ज्यादा बात के लिए भेदभाव नहीं, बल्कि अपने पूरे देश के लिए लड़ा है वो और सभी अमित के जैसे। हमारे शहीद अमित देशवाल जी ने जो शहीदी दिए देश के लिए, उस पर हमारे सबको गर्व है। वो एक ऐसे परिवार से हैं, उनके पिताजी भी फौज में थे और सदा से देश की सेवा की, आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो अपना नाम छोड़ के गए हैं वो अपना नाम केवल अपने परिवार या गांव या हरियाणा का नहीं, पूरे देश में उन्होंने गर्व से नाम ऊंचा किया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। उस लॉस से बड़ी उनकी कुर्बानी के पीछे एक प्रेरणा छोड़ करके गई, नौजवानों के लिए एक सीख छोड़ करके गई, देशभक्ति की एक मिसाल छोड़ करके गई। सब आज उनको यहाँ नमन करने आए, उनकी शहादत को नमन करने आए। ऐसे सपूत लाखों लाखों में एक हुआ करते हैं, आज वो अपना सीना अगर आगे कर करके इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारे बीच में से चला गया। वो शारीरिक तौर पर जा सकता है मगर हमारे मनों में से, हमारे दिलों में से